आर माधवन, थ्री इडियट्स के फरहान, रहना है तेरे दिल में के मैडी, तनु वेड्स मनु के शर्मा जी, ऐसे ही बहुत से यादगार किरदारों से आप इन्हें पहचानते हैं। अब माधवन की एक और फिल्म आ रही है जिसमें वो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं है, पीछे का एक्शन भी संभाला है। फिल्म का नाम है रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट। माधवन इस फिल्म से बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल की शाम को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। आइए आपको बताते हैं कि फिल्म का ट्रेलर लग कैसा रहा है, फिल्म की कास्ट में कौन कौन है। फिल्म एक बायोपिक है जो कहानी बताती है नंबी नारायणन की, इसरो के पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट, जिन्हें जासूसी के झूठे आरोप में फंसाकर 1994 में अरेस्ट कर लिया गया था। सीबीआई ने जांच की और 1996 में उन्हें निर्दोष पाया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें बरी कर दिया। फिल्म उनके इस पूरे सफर के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रेलर खुलता है एक इंटरव्यू से, बूढ़े नंबी का इंटरव्यू लिया जा रहा है। कहते हैं उम्मीद है इस सारे तामझाम का ढंग का नतीजा निकलेगा। इंटरव्यू लेने वाला शख्स जवाब देता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सब फिजूल है तो आप यहाँ आए ही क्यों। इस सवाल पूछने वाले शख्स का किरदार निभाया है शाहरुख खान ने। हाँ, उन्होंने फिल्म में कैमियो किया है। खैर, नंबी जवाब देते हैं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुछ शॉर्ट्स में उनकी लाइफ की झलक दी गई, इसरो में शुरुआती दिनों से लेकर फंसाए जाने तक। नंबी के किरदार में एक अक्खड़पन है और ये अक्खड़पन किसी अज्ञान की वजह से नहीं जन्मा, बल्कि इस विश्वास से जन्मा है कि वो बेहतर कर सकता है। जिस संस्था के लिए वो काम करता है यानी कि इसरो, वो और बेहतर कर सकती है, उसका अपना देश और बेहतर कर सकता है। यही भविष्य की ओर मुंह कर चलने वाली अप्रोच उसे कैसे दिन दिखाती है, यही ट्रेलर में दिखाया गया है। अब बात की रॉकेट्री का ट्रेलर कैसा है, काफी रिफ्रेशिंग। ये कहानी नंबी नारायणन की है इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा फुटेज मिलना स्वाभाविक था। उनकी शख्सियत से जुड़े तमाम पहलुओं को खुलकर सामने आने दिया। ये आदमी हठी किस्म का है, जो ठान लिया वो करके मानेगा। देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी है कि नासा के ऑफर को भी मना कर देता है और झिझकता भी नहीं है। सनकी है, पागल है, केवल अपने देश के लिए। उसके इसी पागलपन पर एक डायलॉग भी है, किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है, ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। दमदार डायलॉग। ऐसे और भी दमदार डायलॉग्स को ट्रेलर में जगह मिली है। बाकी फिल्म एक रॉकेट साइंटिस्ट की कहानी बताती है। जाहिर है रॉकेट और स्पेस स्टेशन से जुड़े विजुअल्स भी होंगे, और है भी। विजुअल्स भी ऐसे हैं जो कहानी को कॉम्प्लीमेंट करें, उसे कमजोर ना पड़ने दें। कुल मिलाकर ट्रेलर ने अपना काम कर दिया है, जनता को फिल्म की रिलीज डेट के लिए उत्साहित कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि रॉकेट्री में कौन कौन है, यानी रॉकेट्री की कास्ट के बारे में। रॉकेट्री में आपको दिखेंगे आर माधवन के साथ साथ सिमरन बग्गा और रजत कपूर। माधवन की लिखी और डायरेक्ट की हुई इस फिल्म की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, हालांकि ये आने वाले कुछ महीनों में ही रिलीज की जाएगी। ट्रेलर में समर 2021 लिखा हुआ आता है। देखकर लग रहा है कि थिएटर्स पर ही रिलीज होगी, फिर भी मेकर्स ने इस पर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये फिल्म हिंदी समेत इंग्लिश, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज की जाएगी। आपके लिए ट्रेलर रिव्यू किया था हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सिनेमा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक।